से आज दिसंबर 2022 के मेरे यूट्यूब लाइव पे स्वागत करता हूँ। कैसे आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सबका आप लोगों का दो दिन से वीडियो आपको आ रहे होंगे। मोदी गवर्नमेंट के एक सांसद है झारखंड के गांडा डिस्ट्रिक्ट के गांडा के गांडा कुछ नाम है उसका, तो दुबे बोल के है। उन्होंने ट्वीट किया था परसों के दिन कि मेरे सवाल पूछने पे केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालय ने जो खरपतवार कहा जाता है अलग भाषा में, वो बढ़ आई है, उग आई है वार्ड से लेके दिल्ली तक, जो यूट्यूबर के खरपतवार आई है, जो सरकार के चापलूसी ना करे, जो सरकार के खिलाफ बात करे, जो सरकार मोदी सरकार जो कर रही है। अब ये जो करोड़ों मौतें होने वाली है दिल का दौरा गिरने के बाद, ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने जो उसके फोटो छपवा के स्टेशन के ऊपर फोटो, एयरपोर्ट के ऊपर फोटो, पनीर टिक्का मुफ्त बांटा, और मैं तब चिल्ला रहा था ये पनीर टिक्का नहीं है, ये मौत बांट रहे हो मोदी साहब। मैं औरंगाबाद कलेक्टर के पास जाके झगड़ा किया था कि सर आप मौत बांट रहे हो, आपको पता नहीं ये पनीर टिक्के से हार्ट अटैक आते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ पनीर टिक्के से हार्ट अटैक आते हैं। तब मैं चिल्ला रहा के बता रहा था, समझा रहा था, भारत में अकेला बंदा था जो विरोध ओपनली कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ और आज भी ओपनली बोलता हूँ, पनीर टिक्के से होने वाले सारे के सारे हार्ट अटैक की मौतों पे जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने पर्सनली नरेंद्र मोदी ने लेके रिजाइन करना चाहिए। ये नीतिमत्ता सिखाती है और ये राजकारण सिखाता है। अगर आप फिर भी डटे रहे तो इसका मतलब आप स्वार्थी हैं। आपको देश के साथ कोई लेना देना नहीं है, देशवासियों के साथ कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए हम जैसे मेरे तो खुद का YouTube पहले भी एक डिलीट कर चुके हैं आप, जिसमें 50,000 सब्सक्राइबर और 4 करोड़ व्यूज थे। आज अगर रहते तो कम से कम 5 से 10 लाख सब्सक्राइबर और 20 से 30 करोड़ व्यूज तो आराम से रहते थे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो 2 साल के अंदर हो ही जाते थे, सिर्फ 6 महीने के अंदर 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे। तब मैंने सब पनीर टिक्के के इंग्रेडिएंट, पनीर टिक्के के इफेक्ट, साइड इफेक्ट, उसका ब्रेन पे होने वाला इफेक्ट, उसका लिम्बिक सिस्टम पे होने वाला इफेक्ट, उसका थैलेमस हाइपोथैलेमस, उसके ऊपर सेक्सुअलिटी के ऊपर कैसे वो असर करेगा, कैसे ये बिहेवियर चेंज करेगा, कैसे ये अच्छे जो आपको पहनाए गए थे ये किस तरह से आपके आए हुए न्यू बॉर्न बेबी जो है इनकी डेवलपमेंट पे हैम्पर करेगा। अगर बच्चे का 1 साल डिले हो जाता है एजुकेशन तो 10 साल वो पीछे चले जाते हैं। अगर बच्चा बोलना सीखने को अगर वो 6 महीना लेट हो जाता है तो डिलेड माइलस्टोन में केस चली जाती है। यहाँ पे आपने पेरेंट्स के मुंह पे कच्चे लगा दिए और बेवकूफ एजुकेटेड लोग, इनको आप खुद कहेंगे एजुकेटेड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट IIT सेल में काम करने वाले जिनके घरों में 4 व्हीलर कारें हैं, ऐसे गधे जैसे कच्चे पहन के बैठे घरों में और इनके न्यू बॉर्न बेबीज इनकी लिप मूवमेंट नहीं देख पा रहे, इनकी स्माइल नहीं देख पा रहे, इनके एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे हैं। इनको 1.5 साल लगा वो कच्चे निकालने के लिए, बेवकूफ हो तुम्हारे बच्चों का माइंड तुमने 1.5 साल पीछे कर डाला है। अब वो बच्चा 1.5 साल बाद सीखना स्टार्ट करेगा वो स्माइल देख के और वो लिप मूवमेंट देख के, पापा पापा मामा पानी, ये समझने के लिए लिप मूवमेंट जो है ना इसको समझने के लिए बच्चों को 1.5 साल लग जाएगा। पर अभी भी कुछ है गधे, मैं देखता हूँ जब ड्राइव करता हूँ ना तो मैं देखता हूँ, और कमेंट कोई मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, अभी मैं सीधे बोल देता हूँ, मैं सिर्फ बात रखने आया हूँ, बात करने आया हूँ। सीधे तौर पर मैंने कहा था
8 तारीख को किसान आंदोलन डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद में मैं मेरी डेट दूंगा अपने किसान अपने आंदोलन अपने उस आंदोलन में ज्वाइन होने की। कल मुझे फोन आया, डॉक्टर साहब आप 8 तारीख को आंदोलन में जा रहे हो। गधो, इतनी समझ नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 8 तारीख को किसान आंदोलन डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद में मैं मेरी डेट्स दूंगा हमें कब जाना है, 8 दिन पहले बताऊंगा। सच में कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं रहा अब। मेरे फॉलोअर इतने भी चूतिया नहीं हो सकते यार, तुम मेरे फॉलोअर हो ही नहीं एक्चुअल में, सिर्फ सुनने आते हो एंटरटेनमेंट के लिए। मैंने कहा ना मेरे फॉलोअर का कम से कम ग्रेजुएट लेवल का जो आईक्यू है ना वो होना चाहिए। तुमको सारा सीधी बात समझ में नहीं आ रही कि 8 तारीख को किसान आंदोलन डिक्लेयर करेंगे उनकी डेट्स, और उसके बाद में जब उनके तंबू गड़ेंगे तब मैं अपने डेट्स दूंगा न्यूरोलॉजी के हिसाब से कि हमें कब पहुंचना है वहां पे। सीधी बात थी कि कोई तो भी थे 4-5 चूते हैं, उन्होंने मंगल जी को फोन किया, मंगल जी का मेरे को फोन आया, डॉक्टर साहब 8 तारीख को आंदोलन को जा रहे हो। मैं बोला यार गधे भरे पड़े यहाँ पे, में आख लिए गया आप लोग, क्या आदमी क्या बात कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट लग रहा है आपको यूट्यूब चैनल हमारे, सरकार की मोदी सरकार की फटी पड़ी उधर। अरे लोग करे तो करे क्या, डॉक्टर जगदाय ने आके पूरा गेम फोड़ दिया, बहाना फोड़ दिया इनका, इल्यूमिनाटी बता दिया, बिल गेट बता दिया, हेनरी किसिंजर बता दिया, जेपी मॉर्गन बता दिया, एलॉन मस्क बता दिया, निकोला टेस्ला बता दिया, न्यूरा लिंक बता दी, डिजिटल करेंसी बता दी, सोशल क्रेडिट स्कोर बता दिया, मार्शल लॉ क्या रहता समझाया, कृषि बिल किसी को समझे नहीं थे वो समझाए तो किसान आंदोलन खड़ा हो गया, अग्निवीर के लिए वाह वाह अग्निवीर अग्निवीर 4 साल में नौकरी, 15 लाख रुपए बाद में मिलेंगे। अरे लूड़े लंगड़े हो जाओगे, आग भी फूट जाएगी, मर जाओगे, माँ बाप के दिए 4 साल में, तो यहाँ पे साला बैट्समैन वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता है, तुमको वॉर में भेजा जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान चाइना वॉर में, ऊपर से एलियन अटैक का वॉर होगा, तो वो तो ड्रामा और अलग ही लेवल का है, प्रोजेक्ट ब्लू बीम, प्रोजेक्ट ब्लू बीम बताया इनका। परेशान हो गया है मीडिया, मीडिया परेशान हो गया है। सोलर फ्लेयर ब्लास्ट बढ़ रहे हैं, एम क्लास सोलर फ्लेयर ब्लास्ट हो रहे हैं, और कोरोनल मास इजेक्शन जो है, ब्लैक होल सूरज में जो है उसमें कोरोनल मास इजेक्शन होता है जिसकी वजह से जियो स्टॉर्म्स आते हैं। आज देखिए अभी न्यूयॉर्क पे कितनी बर्फबारी हो रही है, अभी देखिए मेक्सिको की हालत क्या है, अभी देखिए आपके दुबई में हालत क्या है, एमिरेट्स में क्या हालत चल रहे हैं, इंडोनेशिया में कितने अर्थक्वेक आ रहे हैं, जापान का अर्थ कल एक ज्वालामुखी फटा है, परसों का मोनालुआ का फटा था, येलोस्टोन अर्थक्वेक जोन में मूवमेंट बढ़ गई है, और ऊपर नॉर्थ इंडिया में अर्थक्वेक बढ़े हैं, पालघर में गए हफ्ते भर में 3 बार अर्थक्वेक आए हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, और ये इनको तो सिर्फ इनकी इनकी सत्ता की पड़ी, इनको लोगों के जानों की कुछ पड़ी नहीं है, पैसे मिल रहे हैं बस चल ले दो, पैसा है, पैसा भी किस काम का, एक दिन ये भी खत्म होने वाला है, ये करेंसी नहीं रहने वाली है जो इन लोगों की, ये ड्रैकोनियन की जो करेंसी है जो कंट्रोलिंग करती है लोगों को, ये करेंसी नहीं रहने वाली है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, बिल्कुल आएगा, मगर उनका नहीं आएगा, जो उनके हिसाब से प्लान कर रहे हैं ना वो नहीं रहेगा। न्यू दुनिया रहेगी, न्यू अर्थ रहेगी, 5D वाली अर्थ रहेगी, अभी आप 3rd डायमेंशन में 4th डायमेंशन में प्रवेश कर रहे हो, और जो लोग अभी भी इस चीजों को समझ में नहीं आ रहे वो 3rd डायमेंशन में ही है, और उनको कुछ नहीं हो सकता है, जो मैं से हम नहीं बने हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है, आप वही यही रहोगे 3rd डायमेंशन वाले पृथ्वी में, 5th डायमेंशन में जो है ये प्रोजेक्शन ट्रांजिशन प्रोसेस शुरू हुआ है। इसीलिए मैंने राकेश जी का 1 साल पुराना वीडियो जो था 2021 2022 2023 इन सालों में क्या होगा तो वो मैंने डाला था, ताकि आपको मैं जो कह रहा हूँ और उन्होंने जो कहा है वो कुछ समझ में आए। जो लोग 6-8 महीने से उनसे जुड़े हैं तो उनका वो वीडियो देखा नहीं होगा उन्होंने पुराना, इसलिए वो वीडियो मैंने डाला
कि आप कुछ कनेक्ट कर पाएंगे कि 5D क्या है, कैसा है, ट्रांजेक्शन कैसा है, और ये ड्रास्टिकली होते जाएगा, ड्रास्टिकली धीरे धीरे। 17 साल ये जो महायुद्ध है, कल की महाभारत 2.0 जो मैंने कहा है, लोग लगा होगा वो महाभारत, पिछला महाभारत द्वापर युग का 18 दिन चला था, ये बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत लंबा 17 साल चलने वाला है ये ट्रांजिशन जो है धीरे 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 5D में ही जाने का, ये 17 साल चलने वाला है, ये स्लो प्रोसेस नहीं रहने वाली है। और इसमें दुनिया भर की पॉपुलेशन 750 करोड़ में से 1/3 ही पॉपुलेशन जो है वो बचेगी इसमें, क्योंकि बर्फबारी होगी, सुनामी आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, लैंडस्लाइड होगी, अर्थक्वेक होके ज्वालामुखी फटेंगे, तो इन सारे प्रोसेस में फिर खाद्यान्न की कमी और पनीर टिके तो इन्होंने जानबूझ के दिए ही थे, इनको पता था ये सब कुछ होने वाला है, तो इसीलिए लोगों को बचाने की फिक्र ना करें, जरूरत ना गिरे। मोदी भक्त सुन लो मेरी बात, वो मोदी मोदी चिल्ला के आए ना, तुम लोगों को बचाने का काम ना गिरे, इसीलिए पनीर टिके ईजाद किए गए, इसीलिए पूरा ड्रामा प्लैंडमिक का, एजेंडा 21 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये लाया गया 2030 तक का। मैंने आपको तो बताया है कि किस तरह से चलेगा, किस तरह से न्यू लैंड आएगी, किस तरह से लोगों को बचाना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ेगा, तब तक एरोप्लेन से भर भर के इंडिया में लोग लाने पड़ने वाले हैं। ये आपको नहीं बताएंगा मोदी, ये मीडिया नहीं बताएंगा आपको, मैं आपको बोलता हूँ गेम प्लान क्या है। ये हर घर तिरंगा, जब आएंगे लोग अपने अपने देश में झंडे लेके, अपने अपने घरों पे झंडे लगाएंगे, तो तुम लोगों को भी लगना चाहिए नारी क्या हो रहा है, तो भाई तुम और भी नहीं, अपने घर का अपने देश का झंडा अपन भी लगाएंगे, इसलिए हर घर तिरंगा वो प्रोग्राम था। बहुत बढ़िया लेवल पे प्लानिंग की गई है, सिर्फ आप लोगों को समझ में नहीं आती है। आप लोगों को चाहिए IPL, आप लोगों को चाहिए बिग बॉस, आप लोगों को चाहिए कौन बनेगा करोड़पति, आप लोगों को चाहिए यश कि ये हीरोइन का क्या हुआ, उस हीरोइन का क्या हुआ, ऐसे ही चाहिए। इन सभी खेलों के पीछे खेल हो जाता है, अभी लगा पड़ा है क्रिकेट में, एक ये हुआ न्यूजीलैंड नहीं हुआ कि बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं हुआ कि श्रीलंका, श्रीलंका नहीं हुआ कि पाकिस्तान, ये नहीं हुआ कि वो T20, फिर वर्ल्ड कप, यही इसी में बिजी है, फीफा चल रहा है, फीफा में बिजी है। उधर केरल में, कर्नाटका में, कहीं तो भी साउथ इंडिया में उनके जो फेवरेट प्लेयर्स है उनके सपोर्ट में रैली निकाली मुस्लिम लड़कों ने, तो वहाँ पे उनका अलग ही झगड़ा चालू हो गया, मुस्लिम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उनके फतवे निकल गए। मैं जिंदगी रहेगी बाजू में, इधर तुम्हारी जिंदगी खत्म हो रही है, तुम्हारे अनाज गोडाउन खत्म हो चुके हैं, सॉरी, तुम्हारे गोडाउन खत्म हो गए हैं, तुम्हारे राशन खत्म हो चुका है, अनाज तुम्हारे पास है नहीं है, दुनिया भर की बरसात हुई है, मीडिया तुमको नहीं बता रही है, मोदी सरकार आपको नहीं बता रही है, क्योंकि कल की क्राइसिस हो तुम लोग दुनिया एक दूसरे के सर फोड़ो, ये होना चाहिए, इसीलिए तो सब प्लानिंग है, इसीलिए तो द पर्ज प्लानिंग इसीलिए की गई है, द पर्ज। मैं सब कुछ आपको समझाया किस तरह से प्लान होगा, किस तरह से किया गया है, किस तरह से हो रहा है। अगर क्या है देखें, फिर से बोलता हूँ, 8 तारीख को किसान नेता उनके डेट्स डिक्लेयर करेंगे आंदोलन के। और मैं अब सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग अभी आदिवासी आंदोलन कर रहे थे अलग, अग्निवीर अलग आंदोलन कर रहे थे, बेरोजगार अलग आंदोलन कर रहे हैं, किसान संगठन अलग आंदोलन कर रहे हैं, NRC CA वाले अलग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये किसान आंदोलन जब डेट्स देगा तो इसमें ये सारे जो है CA NRC बेरोजगार महंगाई
आपकी नौकरियां जाने वाली है, कामगार कायदे, ये सभी और हमारे जो है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ लड़ने वाले ये सभी उस किसान आंदोलन में शरीक हो जाइए, अपने अपने बैनर्स, अपने अपने पोस्टर्स लेके आइए, बॉयकॉट मेनस्ट्रीम मीडिया, जो भी चलेगा फेसबुक और यूट्यूब पे ही सब आंदोलन अब ये ढलकेगा। अंबानी को सपोर्ट करने के लिए अंबानी, क्योंकि अंबानी अब फिर से रिटेल मार्केट में उतरने की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये कायदे कृषि बिल ये फिर से लागू किया जाएगा, हेल्थ बिल लागू किया जाएगा, ये फिर से ऊपर से एक देश एक नेशनलिटी जो है, एक समान नागरिक कायदा, समान नागरिक कायदा आ गया तो आपका रिजर्वेशन खत्म। रिजर्वेशन वालों, मेरा तो नहीं है मगर आपका जो है वो रिजर्वेशन खत्म। ऊपर से आप लोगों का, आदिवासी लोगों को जो ट्राइबनल्स लोगों के लिए स्पेशल राइट्स रहता है वो भी खत्म। सोचो जिस मोदी सरकार 37% वोटिंग लेके भारत में जीत के आई है 303 सीट्स, वही आप 63% वाले, 63% वाले लोग आज बेघर होने के और तुम्हारे मूलभूत अधिकार छीनने के रास्ते पे है। अगर ये वोटिंग से ईवीएम से अगर मैनेज करके सत्ता में आ रहे हैं, इनको हटाने का एक ही तरीका है, आंदोलन। आंदोलन बॉयकॉट मीडिया एंड रिजाइन नरेंद्र मोदी, बस यही ट्रेन चलाओ, यही कुछ हो सकता है तुम्हारा, वरना गुलाम तो बन ही गए हो, सिर्फ बीस्ट ऑफ मार्क आरको बिस्ट और आरएफआईडी चिप लगाने की देर है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कोई भी बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वाला लड़ रहा है आज तुम्हारे लिए, कोई नहीं लड़ रहा है। खुद को लड़ना पड़ेगा, खुद को आना पड़ेगा, अपने किसानों के हक के लिए किसानों को लड़ना पड़ेगा। MSP तब तक नहीं आएगी आपको जब तक भारत WTO के अंदर रहेगा, क्योंकि WTO डिसाइड करता है कि कौन से चीजों का रेट क्या रहेगा। WTO में जब तक आप भारत रहेगा तब तक ये तुम्हारे किसानों को ये जो रेट चाहिए वो रेट नहीं देंगे, वो रेट नहीं देंगे। इसलिए ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO कैसे के लागू हुए भारत में सारे कायदे बनी टिके के, क्योंकि WHO में एग्रीमेंट जाके किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने, JP नड्डा ने पहले ही करके रखा था, पहले ही RT-PCR टेस्ट खरीद के रखे थे, करोड़ों रुपए के RT-PCR टेस्टिंग किट 2017-18 में खरीद के रखे थे JP नड्डा ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पेज पे है, मैंने आपको बताया है। इसी डर की वजह से, क्योंकि ये बातें जो लोगों को अब जब आंदोलन में आएंगे तो जिन लोगों ने मेरे बारे में ज़्यादा सुना नहीं वो लोग मेरा सर्च करेंगे, यूट्यूब सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, मेरे पुराने वीडियो अगर दिख जाते थे और मैं बोल दिखाते उसमें दिखाए मेरे डॉक्यूमेंट्स कि RT-PCR टेस्टिंग किट्स जो है 2017-18 में खरीद के रखे थे JP नड्डा हेल्थ मिनिस्टर थे। कैसे क्या एक JP नड्डा जैसे हेल्थ मिनिस्टर आदमी भारत का पंत BJP पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है, अध्यक्ष वही बनता है जो फंडिंग लाता है पार्टी, पॉलिटिकल है, मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ मुझे पता है भाई, सब फंडिंग कहाँ से आई जरा बताओ तो सही, क्या किया ऐसा तुमने कि फंडिंग मिल गई। यही तो खेल है सब, सारा खेल पैसे का है, सारा खेल पैसे का है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, समझे, सारा खेल जो है ना वो पैसे का है। खेल जो चल रहा है ना ये सारा खेल पैसे का और कुछ नहीं है।
फूट पड़ गया ना। सॉरी मैं खुद भूल गया कि लाइव चल रहा था गाड़ी पार्क करने के चक्कर में। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सरकार अब जो है ये यूट्यूबर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कायदे लाने वाली है। तुम्हारा कर्मा तुमको डिसाइड करेंगे और कैसे जाएंगे क्या जाएंगे मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इंडियन मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला अब। सर लोगों आप पे हंसते थे, आप की वीडियो छुप के देखते, अरे डर गए फट गए ये क्या करेंगे। टीवी वाले खुद बता रहे हैं कि 6 करोड़ मरने वाले। एक्चुअली टीवी वाले कभी ये बताते नहीं है असल में आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा कभी बताते नहीं असल में। और जो अगर ये 6 करोड़ ऑफिशियली बता रहे हैं ये 10% आंकड़ा है, अगर रियल में जाएंगे तो कितना जाएगा वो 60-70 करोड़। तो अभी भी मौका था उनके पास, अभी भी है कुछ जो है लेट जिन्होंने टीके लिए है उनके पास अभी भी मौका है। अभी भी आप जाके सफ़ेद मूसली ले सकते हैं अगर इम्यूनिटी आपकी बच गई होंगी थोड़ी फार, नहीं तो फिर जो बचे हैं जो जिनके कर्माज उन्होंने ठीक नहीं किए उनका हिसाब उनके कर्मा के हिसाब से, जैसे वो राकेश शर्मा जी का वो है शनिदेव कुंभ राशि की तरफ मार्गी हुए हैं, अब कर्म फल मिलेगा। मोदी साहब ने जो किया देश के साथ इतना तो उसका भी उनको मिलेगा। रिजाइन नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी टीम को उसका फल मिलेगा। घरों में से बाहर निकलना मुश्किल कर देना पड़ेगा उनका, तभी ये लोग तभी सुधरेंगे। और बी प्रिपेयर्ड जो जागा था वही बचेगा। जय हिंद, जय भारत।